भी करके आप मांगोगे ट्रेन में, यह हक है आपका। और हम पुलिस को बुला लेते हैं, आरपीएफ को बुला ले। और मालगाड़ी हमें ओवरटेक करते हुए हमारा जो ट्रैवल रहेगा झारखंड संपर्क क्रांति का रहेगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूँ, आनंद विहार टर्मिनल। तो ये ट्रेन खुलती है आनंद विहार ENVT से खुलती है और रांची आपको पहुँचाती है सुबह, कल सुबह। तो आज की जर्नी जो होने वाली है स्लीपर क्लास पे होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहेगा और इस जर्नी और रूट को एक्सप्लोर कीजिएगा मेरे साथ। और हमारा जो कोच है S5 है, तो S5 आगे है मे बी, तो आगे चलते हैं। आज की जर्नी का जो हमारा लोकोमोटिव होगा आप पीछे देख सकते हैं WAP-7, वो WAP-7 और लला गुडा शेड का हमारा लोकोमोटिव है झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का, यही हमें पुल करेगा। तो और आनंद विहार कामाख्या, आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हमसे पहले। ट्रेन नंबर 128126 झारखंड संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है, देख सकते हैं। और जो मेरा कोच है वो है S5 और कोच का जो अंदर सीट है मेरा, मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये मेरा इंटीरियर है, ये अपर वर्ट हमारी सीट है और मैंने अपना लगेज रख दिया है। और आपको यहाँ पर एक मिरर दिख रहा होगा और दो लाइट और चार्जिंग सॉकेट 3 है। और यहाँ पर आपको साइड लोअर साइड अपर और मेरी जो सीट है 78 है। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ऑन टाइम 8 बजे। ये चलते चलते चल रहे हैं, गिर भी सकते हैं सवाल। सबसे पीछे वाला कोच था और बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है हमारा झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का आनंद विहार टर्मिनल से। देखिए बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं। पीछे ट्रेन रूट की बात करें तो जो हमारी ट्रेन जाएगी पहले कानपुर जंक्शन से, कानपुर सेंट्रल होते हुए दीनदयाल उपाध्याय कोडरमा जंक्शन और आपको बोकारो स्टील प्लांट होते हुए ये पहुंचाएगी रांची जंक्शन। लो वो मैं डर गया। और हमारी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन को पार करते हुए
कितना शानदार मौसम है। बजे से और अगले सुबह आपको रांची पहुंचा देती है 4:50 में। और अभी हमारी लाल कुंडला जंक्शन से पहले अभी रोका गया है हमारी ट्रेन को, और यहां पर आउटर पे ही रोक दिया है, देखते हैं कब तक यहां से डिपार्चर होगा हमारी ट्रेन का। और मालगाड़ी हमें ओवरटेक करते हुए जंक्शन से पहले ही हमें आउटर पे रोक लिया और मालगाड़ी दूसरे रास्ते यहाँ से, ये यहाँ पर डाइवर्जन हो गया है, वो रूट अलग हो रहा है। तो ये ट्रेन का सिर्फ दो दिन ही चलती है, आपकी वेडनेसडे और सैटरडे से। पेसिंग की बात करें तो अभी तो साफ है, अभी जस्ट हुआ है 2-3 घंटा, अभी तो साफ है। और अंदर का कंडीशन मैं क्या दिखूं, अंदर वॉशरूम तो गंदा ही रहता है स्लीपर का। WAG 9 जंक्शन आते आते हमारी ट्रेन को बहुत ही आउटर में रोक रखा है टुंडला जंक्शन, और बहुत धीरे धीरे बहुत ट्रेन चल रही है, अभी तो रुक रखी है फिलहाल। सो अब देखते हैं कब तक टुंडला जंक्शन पार करती है। ये आगरा वाली लाइन की ओर बढ़ते हुए ये जो ट्रेन है, मेरे ख्याल से अहमदाबाद और सामने डीजल लोकोमोटिव WDG 4। टुंडला जंक्शन से सीधा एक लाइन बढ़ जाती है हावड़ा के लिए, और यहाँ से आगरा सिटी बहुत ही पास है। अगर आगरा को जाता है तो आगरा के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं टुंडला जंक्शन, और यहाँ पर टुंडला जंक्शन पे भी रोक दिया है इसको। पहले आउटर पे रोका, फिर अब टुंडला जंक्शन पे रोक दिया है। फिलहाल हम आ चुके हैं टुंडला जंक्शन, इसका हॉल्ट नहीं था बट इसको रोका गया, इसका ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं बट इसको रोका गया। और देखते हैं टुंडला जंक्शन जाते हुए सामने खड़ी हुई है राजकोट बरौनी, WAG 9 के साथ। उसमें साइड पेंट्री है बट आप खाना यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि साइड पेंट्री है। और मैं घर से खाना लाया था तो देख सकते हैं, मैंने पराठा और आलू की भुजिया मैंने यहाँ पर खाना लाया था। देखिए WAG 12 कानपुर में वेदर
बिल्कुल शानदार है भाई। और यहाँ पर इंडियन रेलवे का WAG-12 मालगाड़ी भेजता हुआ। फाइनली हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल। कितना क्राउड है, हमेशा बिजीएस स्टेशन में से एक कानपुर स्टेशन। 2:10 पे पहुंचा दिए कानपुर सेंट्रल। 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो हम पहुंच गए कानपुर सेंट्रल, जो कि इसका ऑफिशियल हॉल्ट है, झारखंड संपर्क क्रांति का ऑफिशियल हॉल्ट है। और कानपुर आप जानते होंगे ये सेंट्रल स्टेशन है जो कि यूपी में पड़ता है। और आपको पता होगा कानपुर का फेमस चीज है पान। और कानपुर जंक्शन में जो हमारी ट्रेन का हॉल्ट है वो 10 का हॉल्ट है। इधर आप सामने देख रहे हैं ये कामाख्या एक्सप्रेस भी यहाँ पर लगी हुई है हमारे यहाँ, जो कि आनंद विहार से हमसे पहले ओवरटेक हुआ था इसी कामाख्या एक्सप्रेस का। और हमने भी इसको अभी हम दोनों आसपास चल रहे हैं और यहाँ पर एक और ट्रेन आते हुए देखते हैं। बारिश होने लगी, बारिश स्टार्ट जब वेब सेवन हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस, हावड़ा से कालका। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है हमारी, बहुत ज़्यादा बहुत तेज बारिश होने लगी है। 10 के हॉल्ट के साथ हमारी झारखंड संपर्क क्रांति का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। मौसम बहुत सुहावना हो गया है कानपुर सेंट्रल में, इसका स्टेशन कोड है CNB। यहाँ से लखनऊ वाली लाइन और लक्ष्मीबाई झांसी वाली लाइन अलग होती है। WAP-4 झांसी सीड का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है यहाँ। कानपुर सेंट्रल के बाद सीधा इसका ऑफिशियल हॉल्ट है दीनदयाल उपाध्याय DDU जंक्शन। तो सीधा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। और इधर से कोई ट्रेन आते हुए कोलकाता से बीकानेर, कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस। सुपरफास्ट कोलकाता बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लोकोमोटिव
सिर्फ इसमें मतलब पुराने ट्रैक्स को हटा के नए ट्रैक्स को लाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रेल दुर्घटना बढ़ रही है, तो इंडियन रेलवे इसमें भी काम कर रही है। वेल्डिंग का काम, ट्रैक को कैसे जोड़ा जाता है वेल्डिंग करके देखते हैं। झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी आधे घंटे की देरी से चल रही है, और जहाँ पर इसका हॉल्ट नहीं है वहाँ पर इसको रोका जा। यहाँ पर देखो ट्रैफिक कितना है, वहाँ पर भी लास्ट कॉर्नर पे कोई ट्रेन लगी हुई है। कपलिंग किया जा रहा है इस वाली ट्रेन का, जो WAD-9 है उसकी कपलिंग की जा रही है वहाँ पर। एक स्टॉल भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, समोसे ब्रेड आमलेट्स आपको मिलेंगे। और प्रयागराज जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होते हुए, यहाँ पर इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था तभी भी इसको रोका गया। अब देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय कैसे कितने देर में पहुँचाती है, वैसे ही लेट चल रही है। तो प्रयागराज को भी देखने को मौका मिल गया। उनकी बात करें तो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, स्लीपर क्लास के वॉशरूम की बात करें तो, और यहाँ पर लाइट और यहाँ पर पानी दे रखा है, और यहाँ पर ये दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही गंदा है, तो क्या ही दिखाना। बेसिंग में पानी आ रहा है, मतलब बेसिंग ठीक चल रहा है, और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है यहाँ इस ट्रेन पे। शाम का समय हो चुका है और अभी तक दीनदयाल उपाध्याय हमारी ट्रेन नहीं पहुंची। ₹10 चाहिए? ₹10 चाहिए? क्यों? अच्छा ट्रेन पे यही करते हो आप? ट्रेन पे यही करते हो जी? ट्रेन पे यही करते हो आप तो हिजड़ा लग नहीं रहे हो जी? आप तो हिजड़ा लग नहीं रहे हो। हम लेडीज हैं। हाँ दिख रहा है शकल से। आप नहीं लग रहे हो। नहीं है मेरे पास, मैंने तो कुछ भी करके आप मांगोगे ट्रेन में? यह हक है आपका, और हम पुलिस को बुला लेते हैं, RPF को बुला ले, ला ले RPF। हम ब्लॉगर है, ठीक है, आगे जाइए। आपको हर ट्रेन में चिन्ह दिखाई देंगे, और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा हर को आपको कुछ लेना नहीं है, ठीक है। आपके पास हक होता है कि आप RPF से पुलिस को बुला सकते हैं, ठीक है। पूरा पानी, वो खिड़की भी बंद नहीं हो रहा है, पूरा पानी भर गया है सीट, पूरा बैठने की जगह ही नहीं है बारिश के कारण। फाइनली हम झारखंड संपर्क क्रांति के तीसरे हॉल्ट में पहुंच गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
कर गए ऐसे चलते चलते मैं चलते चलते यार सीटीसी का आपको यहाँ पर फूड ट्रैक मिलेगा। ट्रेन रुकती है तो बारिश भी रुक जाती है। फाइनली हम आ गए हैं कोडरमा जंक्शन। डिपार्चर हो गया और ये झारखंड संपर्क क्रांति का ये तीसरा हॉल्ट था। और अभी ये 23 मिनट लेट चल रही है झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आनंद विहार रांची आनंद विहार रांची आनंद विहार से चलकर कानपुर बोकारो सीएसटी के रास्ते रांची को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। और हम आ गए हैं मुरी जंक्शन। हम आ चुके हैं मुरी जंक्शन और इसका स्टेशन कोड है MURI। और ये जो पहुंचाई फाइनली हमने मुरी जंक्शन को पार कर लिया। अब आएगा लास्ट स्टॉपेज रांची जंक्शन। सूरत वाया आसनसोल रांची नागपुर। फाइनली हमारा रांची जंक्शन पे अराइवल हो चुका है। इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट रांची जंक्शन में आपका स्वागत है। लगभग ऑन टाइम पहुंच गई है ये ट्रेन। 4:46 पे आपको ये अगले सुबह पहुंचाई है रांची जंक्शन ये ICF कोच के साथ। ये हमारा लास्ट स्टॉपेज लास्ट हॉल्ट रांची जंक्शन आ चुकी है। ट्रेन का लास्ट हॉल्ट था हमारा रांची जंक्शन। और ये ब्लॉग आपने देखा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लास्ट जो जर्नी थी आनंद विहार से रांची की कैसी लगेगा।